तो यहाँ पर हम साइंस वन का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। ये टॉपिक्स जो है वो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और इसमें जो है वो जो भी चीज़ें डिटेल में दी गई है पढ़ लीजिएगा, जैसे कुवत और रफ्तार में। इसके बाद केपलर के कवानीन, इसमें तीनों कानून आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, ये इम्पॉर्टेंट है, आता ही है। फिर जी की कीमत में होने वाली तब्दीली, तो जी की कीमत में होने वाली जो तब्दीली है, इस पर एक सवाल 3 मार्क्स के लिए पूछता है। कमियत और वजन में फ़र्क पूछता है अक्सर। गुरे सकली रफ्तार क्या है, इस पर नोट लिखिए। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा सबक है नासिर की दौरी जमातबंदी, इसमें मेंडलीफ की दौरी जदूल पढ़ना है। खूबियाँ और खामियाँ इसमें से एक ज़रूर आता है। जदीद दौरी कुलिया पढ़ना है आपको, क्या है उसमें जो है वो गिरफ्त, जौहरी जसामत, इस पर नोट लिखने के लिए आता है। ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, इसमें आपको जो है वो ब्लॉक ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ना है, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक। इसके बाद में जदीद दौरी कुल यानी मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है वो भी पढ़ना है। तीसरा सबक है कीमिया तामुलात और मसावते। कीमिया तामुलात की किस्में में जो है वो तमाम चीज़ें आ जाती है, वो आपको पढ़ लेना है कि कीमिया तामुलात की किस्में में जो है वो क्या क्या चीज़ें है, वो उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं वो पूरा कवर करना है। फिर कीमिया तामुलात की शरह पर असरानंदाज होने वाले अवामिल, अमले तकसीद और अमले तहवील, हरात गिर और हरात जामल, बरगी, यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो यहाँ से आ गया नीचे, ये नहीं है। तो ये 4 टॉपिक जो है वो आपको इसमें पढ़ना है, 4 टॉपिक में वो तमाम चीज़ें जो है वो कवर हो जाएगी। इसके बाद में जो है वो बरकी रॉ के असरात, 4th सबक बरकी रॉ का मकनातीसी असर, दाएं हाथ के अंगूठे का कानून, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का कानून और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का कानून, इसमें बरकी मोटर, बरकी जनरेटर और बरकी रॉ का हरारती असर। इसके बाद ये टॉपिक एक ऊपर चला गया, यहाँ पर वही है बरकी रॉ का मकनातीसी असर जो हमारा पहला टॉपिक है। इसके बाद में यहाँ पर बरकी रॉ के हरारती असर में ये पैराग्राफ एक दिया गया है, कई मरतबा कमज़ोर बरकी रॉ की वजह से इमारतों में आग लगने, ये पूरा पैराग्राफ जो पढ़ना है आपको, इसमें से वजूहात पूछी जाती है और कई एक छोटे सवालात भी इसमें से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो ये पैराग्राफ भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। 5th सबक है हमारा हरारत, इसमें टॉपिक के हरारत मख्फी, पानी का खिलाफ मामूली रवैया, हरारत खसूसी की इस्तेदाद और हरारत का तबादला, ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनराफ़ नूर क्या है वो पढ़ना है, उसमें शीशे के मुस्ततील के ज़रिए जो इनराफ़ नूर है, फिर इनराफ़ नूर के कवानीन क्या है, इनराफ़ नुमा क्या है, नूर का बिखरना, जुज़्वी और कुल्ली अंदरूनी इनेकास, इस पर जो है वो बड़े 5 नंबर का सवाल जो है वो शक्ल के साथ अक्सर पूछ सकते हैं, 5 साल का जो क्वेश्चन का पेपर है उसमें पूछा गया है। और इनराफ़ नूर के कवानीन में जो है वो आपको दोनों भी चीज़ें देखना है, जो उसका कवानीन है वो तीनों भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर 7th सबक है अदस्य और इनका इस्तेमाल, अदस्य क्या है उसको पढ़ना है, अदस्य में 2 चीज़ें आती है, फिर उसके अंदर मरकज़ नैना क्या है, जो भी उसका सब टॉपिक दिया हुआ है किसको क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है। निराफ का शुआई खाका, इसमें मकर अदस्य के ज़रिए बनने वाला अक्स और मुहद्दिब अदस्य के ज़रिए बनने वाला अक्स और उसका उसूल, ये आपको पढ़ना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसूल आपको दोनों के पढ़ लेना है, उसमें से कोई भी एक आ सकता है। फिर आँख के नकायस और इनका तदराक, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से सवाल हर साल पूछा ही जाता है। इंसानी आँख और इसके अच्छे की कारकर्दगी, तो इंसानी आँख क्या है, उसमें जो आँख की शक्ल को बनाकर हाईलाइट किया गया है, तो उसमें से एक एक लाइन में आप चीज़ें याद रखेंगे कि किसको क्या कहते हैं। इसके बाद 8th सबक है फुलज़ियात, इसमें ताकुल को रोकने की तदाबीर, एल्यूमिनियम की तहसील और फलसकारी के बुनियादी उसूल, ये 3 टॉपिक आपको इसमें से पढ़ लेना है। कार्बनी मुरक्कबात, कार्बनिक हिमागर अंसर, हाइड्रोकार्बन सहशुदा और गैर सहशुदा, अभी सहशुदा और गैर सहशुदा में फ़र्क लिखने आता है, लेकिन इस टॉपिक में जो है वो अल्कीन, अल्काइन, अल्केन तमाम चीज़ें दी गई हैं, वो आपको पढ़ लेना है, और उससे किस तरीके से आपको नाम लिखना है वो भी आपको जहन में रखना है। फिर आयोपिक का तरीका, आयोपेक नाम का तरीका, जो इसके नीचे जितने भी जुदूल दिए गए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है कि इसको नाम किस तरीके से लिखा जाता है। 10th सबक है खुलाई मुहिमात, इसमें मुहिम की अहमियत और अफादियत, फिर मसनवी सैारे क्या है, मसनवी सैारे के नीचे टेबल दिया हुआ जुदूल, वो आपको अच्छे से याद रख लेना है,
और इसमें बहुत सारी सवालात जो है वो कॉमन आते हैं, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद जो है वो एक बार आप लेसन जो पढ़ लीजिएगा ताकि आप सवालात के जवाब अपने से लिख सकें। तो ये इतने टॉपिक जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट दिए गए हैं, आप ये टॉपिक तमाम कवर कर लीजिएगा और इंशाल्लाह ताला जो है वो पेपर बहुत ही आसान होगा। बाकी पेपर्स भी बहुत इजी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये पेपर भी बहुत ही आसान होगा।